तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने पबजी मोबाइल को मिरर कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर विंडोज़ 10 के ऊपर बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का यूज़ किए। तो ये ऑप्शन आपको विंडोज़ 10 के अंदर फ्री मिलता है। तो इस वीडियो में देखें हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपने यहाँ अपने राइट में कॉर्नर पर जाना है और स्टैप पे करना है, और यहाँ से आपको ऑप्शन चूज़ करना है कनेक्ट का, और यहाँ से आपने चूज़ करना है प्रोजेक्टिंग दिस मीडिया, प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। और यहाँ पर जो फ्रंट पे जो सेटिंग दिख रही है सेम सेटिंग आपने यहाँ पर करनी है। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ आपके टास्क बार में नहीं मिलता है तो आप सिंपली अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से अपने सर्च करना सेटिंग्स, और यहाँ से अपना जाना डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद आपने चूज़ करना है प्रोजेक्टिंग दिस टू मीडिया या प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। और आप सेटिंग जो आपको फ्रंट पेज दिखाई गई है सेम सेटिंग आपने रखनी है। उसके बाद आपने सर्च करना है कनेक्ट, और कनेक्ट पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ आपका पीसी का नेम शो हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना अपने मोबाइल के अंदर, और यहाँ आपने मेन स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कास्ट का। ये तब सेटिंग में जाकर सर्च करें मिरर या कास्ट, आपको स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन मिलेगा। इससे पहले अपने वाईफाई को ऑन रखना है, तो वाईफाई को ऑन जरूर करना है अपने कनेक्ट करने से पहले। फिर सिम स्क्रीन कास्ट पर आप क्लिक करेंगे, और ये वाईफाई के हेल्प से जो है सर्च करेगा, और यहाँ आपको अपना डेस्कटॉप का नाम दिख जाएगा। सिंपल इस पर टैप करना है और आपका जो मिरर स्क्रीन है वो मिरर हो जाएगी आपके लैपटॉप के ऊपर। उसका यहाँ कोई भी आप चला सकते हैं या कोई भी गेम चला सकते हैं, वो एकदम आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगी। तो यहाँ भी आपको पोर्ट्रेट मोड दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप गेम को रन करेंगे आपको लैंडस्केप मोड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ गेम जो एकदम स्मूथली चलेगी आपके मोबाइल के अंदर भी और आपके लैपटॉप के अंदर भी, और फ्रेम बाय फ्रेम जो है आप मैच कर पाएंगे मोमेंट्स को, ऐसा नहीं है कि आपको लैग देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।